2008 की बात है, जब एक 8 साल की लड़की ओडिशा में एक खेल मैदान के बाहर खड़ी थी और खिलाड़ियों का एक समूह अंडे की आकार की गेंद के पीछे भाग रहा था। वो लड़की रग्बी उस समय पहली बार देख रही थी, वो थी सुमित्रा नाइक, जो आज भारत की राष्ट्रीय महिला रग्बी टीम की महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। हालांकि सुमित्रा ने भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के मैदान में जब यह खेल खेलना शुरू किया था, उनकी उम्र बहुत कम थी। वो अपने जीवन के शुरुआत में काफी कठिन दिन देख चुकी है। का जन्म 8 मार्च 2000 को ओडिशा के जसपुर जिले के डुबरी गांव में हुआ था, लेकिन उनकी माता ने अपने 3 बच्चों के साथ गांव छोड़ दिया। पति उनके साथ मारपीट करते थे। उनके पिता ने अब हालात में बेचैन, उनकी माँ अपने बच्चों को इस माहौल से अलग रखकर उनकी परवरिश करना चाहती थी। इसके बाद सुमित्रा का दाखिला कोलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में 4th कक्षा में कराया। संस्थान में आदिवासी समुदाय के बच्चों को पढ़ाई और खेल की ट्रेनिंग मुफ्त में दी जाती थी। सुमित्रा ने मैदान पर उतरते ही रग्बी में नाम कमाना शुरू कर दिया और मेडल के ढेर लग गए। यह वो समय था जब हर खेल कुछ नया सीखने का अनुभव दे रहा था। इनसे उन्हें अपना खेल सुधारने का अवसर मिला। सन 2016 में उसका चयन देश की राष्ट्रीय टीम में हुआ और दुबई एशियन चैंपियनशिप अंडर 18 में कांस्य पदक जीता। दोस्तों, ये थी सुमित्रा नाइक। आपको वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलेंगे एक और ऐसी नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए NS Point YouTube चैनल को। धन्यवाद।